नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस एकेडमी के इस पीटी के विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग नीति निदेशक तत्व पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लोकप्रिय टॉपिक है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और आपके भी परीक्षा में जो कि पीटी के रूप में जो 20 अगस्त को आयोजित होने वाला है वहाँ पर भी यहाँ से सवाल पूछा जाना लगभग तय है। तो नीति निदेशक तत्व तो किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात को जान लेने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 भाग चार में 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों पर चर्चा की गई। नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो है व्यवस्था की गई है, इसे जो है DPSP के नाम से भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के नाम से भी इसे जानते हैं। तो भाग चार, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ये भाग भी पूछा जाता है 36 से लेकर के 51 के बीच में कई बार पूछा गया है। तो इसके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें हम इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो भाग चार में 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो है चर्चा किया गया है। यानी कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसे निर्देश हैं जो राज्य सरकार के लिए दिए गए थे कि भविष्य में चल करके राज्य इस पर कानून बनाएगा। इस पर का मतलब इनके अंतर्गत जो व्याख्यात किए गए हैं नियम, और इसके माध्यम से जनता के हित में शासन का संचालन करेगा। क्योंकि इनमें कई महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को और बताया गया है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों से हो, पर्यावरण से हो, पशुपालन से हो, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है और बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाए और राज्य के द्वारा जनता के हित में शासन का संचालन किया जाए। तो जो भी व्यवस्थाएं, अब यहाँ पे एक व्यवस्था मौलिक अधिकार है जो भाग तीन में उल्लिखित है और भाग चार में जो है नीति निदेशक तत्व। तो जो संसाधन हमारे पास थे और जिनको हम पूरा कर सकते थे, जिन आवश्यकताओं को, उन्हें हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिए। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो जीवन यापन के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए जरूरी तो थे, परंतु हमारे पास संसाधनों की कमी के कारण से या व्यवहारिकता के कारण से हम उन्हें अगर पूरा नहीं कर पा रहे थे तो हमने उन्हें जो है नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया, ताकि हम आगे आने वाले समय में सरकार उस पर जाकर कानून बना सके और जनता के हित में शासन का संचालन कर सके। तो नीति निदेशक तत्व से तात्पर्य जो है उन निर्देशों से है जो संविधान सरकार से या राज्य से अपेक्षा करता है कि वो उस पर कानून बना करके जनता के हित में शासन का संचालन करे। अब यहाँ पे आर्टिकल अगर देखा जाए तो आर्टिकल 37 में इसको परिभाषित किया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यद्यपि शासन में या परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, फिर भी शासन में मूलभूत हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि उस पर कानून बना करके जनता के हित में शासन का संचालन करे। तो ये एक सामान्य परिचय हो गया। इसमें आप लोगों ने देखा कि परिभाषा है, ये भी जान लेना आवश्यक है। परिभाषा 36 में नहीं, 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 37 में आकर के किसकी परिभाषा दी गई है, DPSP की। DPSP की परिभाषा कहां दी गई है, 37 में। ये सारे प्रश्न आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहां पे बार बार फोकस किया जा रहा है और आपको केवल वही चीजें बताई जा रही है जो परीक्षा उपयोगी है। तो एक सामान्य परिचय हो गया, एक परिभाषा हो गया, और इसमें जो है आप 36 से 51 में जो भी नीति निदेशक तत्व तो व्याख्यात किए गए हैं, जिनका प्राविधान किया गया है, उनमें जो है संशोधन भी किया गया है। संशोधन यहां पे 3 बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 ईस्वी में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी से, इसके माध्यम से 45 का और 48 का ये 3 अनुच्छेद जो है नए जोड़े गए हैं। जब ABCD लगा दिया जाता है तो नए अनुच्छेद हो जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें 1, 2, 3 कर दिया जाता है तो अनुच्छेद उनकी गिनती नहीं होती है, लेकिन कई बार उनको बढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पे ये 39 अलग है और 39 का अलग है। अभी हम इसको देखेंगे आगे व्याख्या में कि किस तरीके से ये पृथक है जो व्यवस्था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसी में जो है 38(2) जोड़ा गया, जहाँ पे समानता असमानता को कम करने की बात कही गई है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो है
संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके माध्यम से जो है 45 का जोड़ा गया है और इसी के माध्यम से 45 को निरसित कर दिया गया है, यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये चीजें आई कि यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि ये व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई, या यही पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था नहीं लाएगी। अब ये तीनों दे दिया, ये दे दिया, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसमें केवल तीन बातों को सम्मिलित किया गया है। 39 का में ये बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य लोगों को समान और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक समानता जो है प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो समान जो है सभी लोगों को जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक जो है सहायता देने का प्रयास करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1900, विधिक सेवा प्राधिकरण ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण जो है अधिनियम ये है 1987, इसके माध्यम से भी जो है इस तरीके की बात को जो क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया गया है। और 45 में लिखा है कि राज्य सरकार जो है कर्मचारियों की उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं उनको उद्योगों में प्रबंध में जो है भागीदारी प्रदान करने का प्रयास। आर्टिकल 43 का के अंतर्गत जो है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास 43 का के माध्यम से। 48 का के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीवों की जो संरक्षण के ऊपर बल दिया गया है। इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि राज्य जो है असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, यह न केवल विभिन्न व्यक्तियों के बीच में आय जो है असमानता उसको बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के आय प्रतिष्ठा अवसर की समानता को भी जो के क्षेत्र में जो असमानताएं हैं उसको कम करने का जो है प्रयास करेगा। और 45 का के माध्यम से जो है राज्य के लिए इसी में यह ध्यान में होना चाहिए कि 21 का भी जोड़ा गया था जहाँ पर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य को जो है कानून बनाने के लिए जो निर्देशित किया गया है और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। और उसी के बाद में जो है राज्य सरकार ने जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है पारित किया है, जिसे जो है अप्रैल 2010 में लागू भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है नीति निदेशक तत्वों में 45 का जोड़ करके राज्य से अपेक्षा की गई है वो जो है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। और जैसे ही 6 से ऊपर होंगे वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाएंगे। 0 से 6 में रहेंगे तो वो 45 में रहेंगे, 0 से 6 आयु वर्ग में रहेंगे तो ये जो है 45 में रहेंगे, और जैसे ही जो है 6+ में आ जाएंगे 6 से 14 वर्ष में तो आर्टिकल 21 यहाँ पे का काम करना प्रारंभ कर देगा। 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोगों को इसमें बताया गया है। तो ये बातें जो है आपकी रही जो है संशोधन के संदर्भ में। अब कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं उसे हम लोग देख लेंगे। विशेषताओं में है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है, स्वतः लागू नहीं हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति इनके आधार पर न्यायालय नहीं जा सकता कि इनको क्यों सरकार लागू नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा, इनके द्वारा जो है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, सामाजिक योम ये कह सकते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आर्टिकल जो 38 सेकेंड है ये जो है सामाजिक लोकतंत्र की और आर्थिक लोकतंत्र की जो स्थापना आर्टिकल 39 के द्वारा जो है किया गया है। ये चीज ध्यान रखना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की अगर व्यावहारिकता पूछा जाता है कि कहाँ पे दिखाई पड़ता है तो 38
सेकेंड और 39 के माध्यम से जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों को भी दिखाने का जो प्रयास किया गया है। तो हम लोग देख रहे थे विशेषताओं में कि परिवर्तनीय नहीं है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की जो स्थापना की गई है ये स्वतः लागू, अगली विशेषता इसकी है आप लोग समझ लीजिए कि इसे जो है स्वतः लागू नहीं किया जा सकता है, इसको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है कि जो कि संसद के द्वारा बनाया जाता है। और इस तरीके के निर्देश जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में भी दिए गए हैं, अर्थात नीति निदेशक जो तत्व हैं वो 1935 ईस्वी में उल्लिखित निर्देशों के जो समान हैं। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये परिवर्तनीय है या नहीं, ये इसी आधार पर लोग इसमें दोनों में जो है अंतर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, नीति निदेशक तत्वों में और मौलिक अधिकार के बीच में। तो अभी हम इसको डिटेल में लेने के बाद जो है अंतर विभित हो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे जो है। अब यहां पर हम एक 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 करके जो है इन अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 38 में जो कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों की जो है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को जो है दिया जा सके या इन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके, यह 38 में लिखा गया है। और इसी में पार्ट दो है वो भी हमने आपको जो है बताया किस तरीके से जो है इसमें असमानता को कम करने की बात कही गई है जो न केवल व्यक्तियों के बीच में आय की बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के आय अवसर प्रतिष्ठा इत्यादि के क्षेत्र में असमानता को भी कम करने के सिद्धांत का समर्थन करता है। और 39 ये एक बड़ा जो है अनुच्छेद है, इसमें कुल मिलाकर के 6 बातें कही गई हैं। और पहले में कहा गया है कि राज्य अपने जो है सामर्थ्य एवं संसाधनों के बीच ऐसे नीतियों का संचालन करेगा जिससे स्त्री और पुरुष इन दोनों ही लोगों को जो है जीविका के लिए जो है समान रूप से संसाधन प्राप्त हो सके, यानी कि स्त्री पुरुष और सभी लोगों को जो है आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके, इस तरीके की नीतियां राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि स्त्री पुरुष सभी लोगों को जो है जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन की पर्याप्त रूप से आवश्यकता है वो प्राप्त करने के लिए जो भी नीति की आवश्यकता होगी सरकार करेगा। दूसरे में जो लिखा गया है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा कि सार्वजनिक हित को बढ़ावा दिया जाना या सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जाना संभव हो सके, मतलब कि राज्य सरकार जो है ये प्रयास करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से स्थापित होगा जिससे सामूहिक हित को बढ़ावा, यानी कि व्यक्तिगत हित की बात नहीं सामूहिक हित की बात की गई है, सबके हित की बात इसमें कही गई है। 3 में लिखा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियों का जो है संचालन इस प्रकार से करेगा कि उत्पादन के संसाधनों पर आहितकारी संकेंद्रण ना हो सके, यानी कि ऐसा संकेंद्रण ना हो सके जो लोगों के लिए आहितकारी हो या नुकसानदायक हो। 4 में जो है स्त्री और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसका क्या मतलब है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही प्रकार से काम कर रहे हैं तो उसमें केवल इस आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा कि ये पुरुष हैं या ये स्त्री हैं, इस आधार पर एक को दूसरे से ज़्यादा वेतन दिया जाए ज़्यादा सुविधाएं दिया जाए, अगर एक ही काम कर रहे हैं यानी कि समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देने के लिए सरकार के द्वारा नियम भी बनाया जाता रहेगा। ये आर्टिकल जो है 39(4) के अंतर्गत इस तरीके की बातें कही गई हैं। 5 में जो है कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य तथा बच्चों की जो सुकुमार अवस्था का परिस्थिति बस दुरुपयोग नहीं होने पाएगा, और यदि ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए उनके आयु के लिए उनके प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है तो सरकार उसके संदर्भ में कानून बनाएगी। और अगले में जो है कहा गया है, अगले में कहा गया है कि राज्य जो है अपने सामर्थ्य और शक्तियों के भीतर इस तरीके का प्रयास करेगा कि बालकों को एक जो है गरिमामय वातावरण में जो है वृद्धि एवं विकास के लिए जो है अवसर प्रदान हो सके। तो ये भी बातें 39 के अंतर्गत कही गई हैं
और ये 39 ही जो है भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो है प्रयास करता है, जिसमें आर्टिकल 39(4) में जो समान कार्य के समान वेतन की भी बात कही गई, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, इसलिए बार बार यहाँ पर इसको नोट करने का जो प्रयास किया जा रहा है और आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पर आपको ध्यान देने की जो है जरूरत होगी। और इसी 39 जो है 39(2) का इसको कह सकते हैं 39 का जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। 40 में है जो है पंचायतों का गठन, ये भी सवाल बार बार जो परीक्षा में जो है पूछा गया है, पंचायतों का गठन, राज्य जो पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वह स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सकें। भाई कहने का मतलब है कि संघात्मक शासन प्रणाली है, केंद्र की व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है, तो उसी क्रम में एक निचले स्तर पर लोकतंत्र की भावना को स्थापित करने के लिए यहाँ पर इस बात को भी जो है और इस बात पर बल दिया गया है कि पंचायतों का यहाँ पे गठन किया जाए, पंचायतों का जो गठन किया जाए जिससे स्थानीय स्तर पर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के गठन की बात कही गई है। 41 के अंतर्गत जो काम शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार के बीमारी बेरोजगारी में लोक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है, काम शिक्षा लोक सहायता, भाई किसी को अगर अस्वस्थ हो गया, कोई विकलांग हो गया, तो लोक सहायता यानी कि किसी भी तरीके से जो है सरकारी स्तर पर, पब्लिक के स्तर पर, सरकारी स्तर पर जो उनको सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार एक ऐसी मैकेनिज्म बनाने का जो है प्रयास करेगा और सरकार इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के नीतियां और कार्यक्रम भी जो है संचालित करने का प्रयास करती ही रहती है। और 42 में कहा गया है, 42 में कहा गया है कि राज्य जो काम की मानवोचित एवं न्याय संगत दशाओं को बनाने का प्रयास करेगा एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता, तो जब प्रसूति सहायता की बात की गई है, प्रसूति सहायता किसमें, आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता है। और काम की मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं हैं, दो प्रकार की बातें इसमें कही गई हैं, मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता। 43 में कहा गया है कि राज्य जो है कृषि उद्योग या अन्य सभी क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी देने का प्रयास करेगा, न्यूनतम तो मजदूरी अधिनियम भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है इन सभी जो प्रावधानों का हम क्रियान्वयन कर सकें। इस टॉपिक पर जो है आधारित हमारे मास्टर प्लेलिस्ट में वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉपिक को सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार जो है व्याख्यायित किया गया है, तो आप वहां पर भी जाकर के इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां हम केवल पीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें उद्योगों के बारे में बताया गया है, उद्योगों के जो है श्रमिकों के बारे में कि उनको जो है जीवन निर्वाह मजदूरी देने का जो है सरकार प्रयास इसमें करेगी। और इसी 43 का में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की या कर्मचारियों की भागीदारी, यहां पर प्रबंधन की बात कही गई है। तो दो चीजें इसमें आई, एक 43 में जो जीवन निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है और 43 का में जो है प्रबंधन में जो है उनकी भागीदारी की जो है बात कही गई है। अगला यहां पर आता है 44, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता की बात कही गई है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन में जिसको क्रियान्वित होने के लिए जो अभी भी आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार के द्वारा इसका जो भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है, यद्यपि गोवा सरकार के द्वारा इस संदर्भ में गोवा राज्य सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई थी, तो इसके लिए जो है ये कभी कभी सवाल उठता है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता को क्रियान्वित किया गया है, तो वो राज्य का नाम जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गोवा उत्तर इसका होता है। 45 में जैसा कि आपको बताया गया है कि ये निश्चित करके जो है इसमें जो है 45 का जोर दिया गया है, जिसमें 6 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों की जो शिक्षा और देखभाल का राज्य के सर द्वारा जो है प्रयास किया जाएगा। और 46 में ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के जो है शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा और उन्हें विभिन्न प्रकार के जो शोषण अन्याय से रोकेगा। तो यहाँ पे तीन प्रकार की बातें की कही गई हैं। शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण तो है ही है। कई बार ये परीक्षा में पीसीएस इत्यादि में भी सवाल पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो पीईटी को लेकर के व्यापक स्तर पर पहली बार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूर्व में क्वेश्चन जो भी ट्रेंड में बनते थे उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दे देता है कि इनमें से किस प्रकार के हितों के संरक्षण की बात नहीं है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो राजनीति इसमें नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक की बात कही गई है। अब हम 47 पर आते हैं। राज्य लोगों के जो है पोषाहार स्तर को यौन जीवन स्तर को जो है सुधारने का प्रयास करेगा और इसी क्रम में वो मादक द्रव्यों के प्रयोग पर भी जो है प्रतिबंध या नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो ये व्यवस्था है लोगों के जीवन के स्वास्थ्य को लेकर के या नुकसानदेह जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जो है रोकने को लेकर के इसमें बात कही गई है। पोषाहार स्तर, यौन जीवन स्तर तथा मादक द्रव्य, इसकी बात इसमें कही गई है। 48 में जो है, 48 में राज्य जो है इसमें बताया गया है कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक ढंग से करने की व्यवस्था करेगा या उसको प्रमोट करेगा। इसी तरीके से गाय, बैल और दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा, भारवाहक पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा और इनके वध को रोकने के लिए जो व्यवस्था बनाएगा। तो तीन बात इसमें कही गई, कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण, दुधारू पशुओं के नस्लों को सुधारना और इनके वध को जो रोकने की बात इसमें कही गई है। तो तीन प्रकार की बातें इसमें आती हैं। जैसे यहाँ पे जो है क्या था, छह है और यहाँ पे तीन है, तो तीन दुनी छा यहाँ की व्यवस्था ही बनती है। इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से ध्यान दिया जाएगा तो ये एक ट्रिक भी बन सकता है या एक समझ कह सकते हैं आप, कि एक समझ इसके बारे में बनता है और इससे आपको जो चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें क्या हो गई कि शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक हितों की जो है इसमें संरक्षण प्रदान की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हित इससे जो है सुधरते हैं जो है। तो ये बात हो गई 46 में। 47, 48 हो गया। 48 का भी यहाँ पे जुड़ा है जो कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों की जो है रक्षा की इसमें बात कही गई है। पर्यावरण की संरक्षा किया जाएगा वन की और वन्य जीव, वन्य जीवों का मतलब जो वन में रहने वाले जीव हैं। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में जो पूछा गया है 48 का। और 49 है ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थलों इत्यादि के जो इसमें संरक्षण की बात कही गई है। और अगला आता है 50, ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। भाई इसमें अगर एक 5 अंक है और दूसरा 0 है, और जब तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा याद करने के जो प्रयास किया जाए, एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया जाए, एक समझ बनाने का प्रयास किया जाए कि जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो दूसरा 0 रहेगा। 0 का मतलब वहाँ उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका का पृथककरण हो जाएगा। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि जो है इसमें स्थापित करने के लिए भारत सरकार प्रयास करेगा और इसके लिए इसके द्वारा कई प्रकार के समझौते भी जो है विभिन्न देशों से किए गए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते जो है इसके माध्यम से जो किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देख लिया इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली वो ये है कि नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में उल्लिखित है, भाग 4 में यहाँ पर उल्लिखित। ये जो प्रश्न आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, किन अनुच्छेदों के बीच में, 36 से 51 के बीच में है, उसकी परिभाषा किस में दी गई है, 37 में दिया गया है। पंचायतों का गठन किस में होता है, अनुच्छेद 40 में जो है होता है। इसी तरीके से समान सिविल संहिता अनुच्छेद किस में है, 44 में है। और इसी तरीके से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, 46 में। पर्यावरण की बातें किस में की गई हैं, वो 48 का में है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते की बात आर्टिकल 51 में किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किन किन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। इसी के साथ में जो है यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होते हैं। मौलिक अधिकार ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। इसी तरीके से मौलिक अधिकार के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, नीति निदेशक तत्वों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को अधिकार प्रदान करते हैं इसी तरीके से कुछ काम करने के लिए, और नीति निदेशक तत्व राज्य को जो है अधिकार प्रदान करते हैं कि वो कुछ न कुछ काम कर सकती है। तो इस तरीके से ये बेसिक जो है अंतर मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के बीच में जो दिखाई पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के संबंध के साथ साथ जो है इन दोनों टॉपिकों के बीच में एक बेहतर समझ पैदा हुई होगी। नीति निदेशक तत्वों से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आप लोगों को समझ पैदा हुई, और परीक्षा में यदि इससे सवाल आते हैं तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में जो है सामर्थ्य मिलेगा, आपके लिए जो है आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इससे समझ बढ़ी होगी। अगले लेक्चर में हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।